नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बहस। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। विपक्ष के इंडिया गठबंधन की मुंबई में दो दिवसीय बैठक हुई, बहुत महत्वपूर्ण रही। मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में गठबंधन के घटक दलों के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव को मिलकर लड़ने पर सहमति बन चुकी है। एक बकायदा लेटर भी जारी हो गया। बैठक में 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया। बैठक में इंडिया गठबंधन ने लोकसभा का चुनाव एनडीए के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। हालांकि गठबंधन में साझेदार दलों के बीच सीट बंटवारे पर अभी सहमति नहीं बनी है, लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि उस पर भी जल्द सहमति बनेगी। जल्द ही राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा शुरू होगी। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक दिल्ली में होगी। मुंबई में हुई बैठक में गठबंधन जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया भी जारी किया गया। इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने एक सुर में 2024 में एनडीए यानी कि बीजेपी को खासतौर से हराने की हुंकार भरी, लेकिन बीजेपी ने प्रहार करते हुए कहा इंडिया गठबंधन घमंडिया गठबंधन है। बीजेपी ने कहा कि यह गठबंधन गिव एंड टेक वाला गठबंधन है। आज हम आज की बहस में यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो राहुल गांधी ने कहा कि 60% इंडिया उनके साथ है, तो क्या 24 का चुनाव टक्कर का हो चुका है, मुकाबला दिलचस्प हो गया है, वन नेशन वन इलेक्शन वाली थ्योरी क्यों आई, उसकी टाइमिंग पर प्रश्न है, स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि आपने मणिपुर पर तो नहीं बुलाया, अल्पसंख्यकों के साथ ठीक नहीं हो रहा, लालू यादव आज मोर्चा संभालते हैं, रविशंकर प्रसाद याद दिलाते हैं लालू जी कि आपको याद है कि आप बेल पर हैं। तो इन बयानबाजियों से आप समझिए कि चुनाव अपने उरूज पर आ चुका है। आज तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आज की मीटिंग में अच्छी चर्चा हुई, अच्छे डिसीजन लिए गए, कुछ कमिटीज बनाई गई और हम सारे लोगों ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, हम जितने सारे जुमलेबाज हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। और एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि हम मित्र परिवारवाद के खिलाफ भी जरूर लड़ेंगे। ऑटोनोमस बॉडीज को सत्यानाश कर रहे हैं और चाहे ईडी, सीबीआई, विजिलेंस, हर एक ऑटोनोमस बॉडी का मिसयूज कर रहे हैं। मोदी सडनली और एक बात की कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को नहीं पूछे, अपोजिशन लीडर को भी नहीं बुलाए, किसी को बुलाए बगैर वो पार्लियामेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। अरे स्पेशल सेशन मणिपुर जल रहा था तो आपने नहीं बुलाया, कोविड के वक्त नहीं बुलाया, जब आप चाइना अपनी जमीन हड़प कर ले रही है, कब्जा कर लिए है, उसके लिए नहीं बुलाया। लोग तंग और तबाह, इसमें डी नोटिफिकेशन, ये हमारा नोटबंदी के वक्त परेशान थे, माइग्रेंट वर्कर परेशान, उस वक्त नहीं बुलाया। जब जब मुल्क अपने मुश्किल में रहता उस वक्त उन्होंने कभी नहीं बुलाया। अब क्यों बुलाए मुझे मालूम नहीं, आज का एजेंडा क्या है उनका मालूम नहीं। तो ये देश चलाने की रीत नहीं है, ये उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। मुझे बेहद खुशी है कि इंडिया अलायंस में सब लोग आपस में जुड़ रहे हैं। एक चीज मैं देख रहा हूं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, अब सबको लगने लगा है कि ये इंडिया अलायंस मोदी सरकार के आने वाले समय में मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इस इंडिया अलायंस को तोड़ने में लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें।
पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं जबरदस्ती क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाए। मैं पिछली 3 मीटिंग अटेंड कर चुका, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं जितनी अच्छे से और जितने प्यार और मोहब्बत से सारी मीटिंग्स हुई हैं, किसी की किसी के साथ लड़ाई नहीं है। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कोई पद के लिए नहीं आया, सब 140 करोड़ लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आए हैं, इसको तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए आए हैं, कोई यहाँ पे पद के लिए नहीं आया है। आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। देश के इतिहास को ही बदलना चाहते हैं तो हम लोग सब मिलकर के देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे, और सब मिलकर के जो अपना देश है वो पूरा मजबूती के साथ होगा और समाज के हर तबके का उत्थान होगा और किसी की उपेक्षा नहीं होगी। हम शुरू से ही यह लड़ाई लड़ते रहे कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, भा मने भाजपा, ज मने जलाओ और पा मने पार्टी बोलते रहते थे। ये बात सही हो रहा, सही निकल रहा। इस देश में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। क्या क्या हुआ आपको मालूम होगा इस देश में क्या हो रहा है, कि आज हमारे अल्पसंख्यक भाई सुरक्षित नहीं है, महसूस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग आज इस मुकाम पर आए हैं कि अब हम सब पटना, बंगलोर और महाराष्ट्र यहाँ मुंबई में ये मीटिंग के बाद अब एक निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे हैं। और एक स्वरूप बना है, संगठन बना है। ना कोई कैंडिडेट अनाउंस कर पा रहे हैं, ना कोई नेता घोषित कर पा रहे हैं। ममता बनर्जी सुनते हैं नाराज होके उठ के चली गई, अब बोलते हैं सीट का समझौता करेंगे एज फार एज पॉसिबल, यानी वो भी सहमति नहीं बना पा रहे हैं। इतना है तो घमंडी लोग हैं, घमंडी गठबंधन है, अपने घमंड से उठ ही नहीं पा रहे हैं। वो क्या जनता की सेवा, जब लोगों में डिजाइन और रंग के ऊपर ही झगड़ा कर रहे हैं तो ये तो एक प्रकार से पूरा फेल्ड है। मुझे लगता है एकनाथ राव शिंदे जी ने ठीक कहा, ये इंडी अलायंस है, ये अंडा अलायंस बन जाएगा। इस अलायंस के लोग गिव एंड टेक की भाषा से बहुत परिचित है, इनकी पूरी राजनीति गिव एंड टेक पर आधारित है। पूरा 2G गिव एंड टेक था, पूरा कोल स्कैम गिव एंड टेक था, पूरा आपका कॉमनवेल्थ गिव एंड टेक था। और लालू प्रसाद जी और उनकी सरकार ने तो गिव एंड टेक की पराकाष्ठा प्राप्त कर दी साहब। चारा घोटाले में सजा मिल गई, एक नहीं कई केसेस में हैं बेल पर, तो साहब नए नए प्रकरण खुलते हैं। जमीन दो नौकरी लो, तो गिव एंड टेक का इससे बड़ा नमूना क्या हो सकता है।